राइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। सांसद जगदम्बिका पाल ने आज अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज में सीएससी हॉस्पिटल में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें कि देश में इस वक्त प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी सरकार द्वारा सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सीएससी हॉस्पिटल बेवा में यहां की जनता को सौगात देते हुए सिजेरियन ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेशन थिएटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। सांसद पाल ने बताया कि यह सुविधा मिलने के बाद यहां की जनता को अब जिले पर या समीप के जिले में गंभीर परिस्थितियों गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही यहां पर एक एनआईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। आने वाले दिनों में सीएससी हॉस्पिटल बेवा में यहां की जनता को और कई सुविधाएं मिलने लगेंगी, जैसे यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगकर तैयार होगा तो जल्द ही जिसका काम शुरू कर देगा। साथ ही यहां पर 20 बेड का वार्ड एक ड्रग स्टोर भी बन रहा है, जिससे सारे जिले में दवाइयों का वितरण यहीं से होगा। सांसद ने कहा कि मेरी इच्छा है कि इस हॉस्पिटल को जिला अस्पताल के तर्ज पर विकसित किया जाए। सिद्धार्थनगर से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अजहर हुसैन फारूकी की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्योति नड्डा जी ने यह निश्चय किया कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे, और उस सेवा पखवाड़ा में हम लोगों की सेवा करके जहाँ पे 17 सितंबर को जन्मदिन था, लोग किसी भी जन्मदिन को पार्टी से, केक से, मिठाइयों से करते हैं, वहाँ उस दिन हम लोगों ने जो जीवन मौत से जूझ रहे थे ब्लड के अभाव में, बड़े लेवल पे हम लोगों ने रक्तदान करके लोगों की जान बचाने का काम किया। और इसी अभियान में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आह्वान पे ये बूस्टर डोज 70% लग जाए, जो डबल डोज 217 करोड़ लोगों को देश के लग चुका है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश की तारीफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ये 30 सितंबर तक इसकी डेट थी, और आज भी पूरे जनपद के CSC पे इसी तरह से CSC पे मेगा टीकाकरण का बूस्टर डोज का था शुरू चल रहा है, और 36,000 आज बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य हमारे सरकार ने दिया है। सिद्धार्थनगर मेडिकल डिपार्टमेंट आज हम संकल्प है कि हम एक एक व्यक्ति को कोविड से रिस्क की चुनौतियों के लिए कोई ऐसी परिस्थितियां ना, सबको दोनों डोज दे रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मेगा अभियान, सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान कहूँगा तो भारत में है, इसकी सराहना WHO ने भी किया, और 217 करोड़ 14 लाख टीकाकरण अब तक लगाए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी बड़ी संख्या में लगाए जा चुके हैं, 95% लोगों को टीकाकरण हो चुका है। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।